क्रिप्टो करेंसी में कल हमने एक जबरदस्त डंप देखा, उसके बाद आज मार्केट वैसे ही तेजी से रिकवर हुई है। अभी बिटकॉइन का प्राइस और डाउन जा सकता है या नहीं? कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से बिटकॉइन ही नहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी पे उसका भयंकर तरीके से असर पड़ सकता है? वो है अगर नाटो देश यूक्रेन के साथ आते हैं और रसिया पे हमला करते हैं, इसकी वजह से मार्केट फिर से डाउन आ सकती है। लेकिन ऐसा होने की अभी मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो स्मॉल अमाउंट में, करंट प्राइस पे तो नहीं बोलूँगा, अगर मार्केट फिर से उसी प्राइस पे आती है, 34,000 के एरिया में आती है, तब आपको बाई करना है। अभी आपको कुछ भी बाई नहीं करना है गाइज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस करवा बैठेंगे। अब बिटकॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन का अभी करंट प्राइस 38,461 USDT चल रहा है। बिटकॉइन के लिए पहली सपोर्ट होगी 37,800 पे। गाइज इसने 39,600 के रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद प्राइस डाउन आ गया, इसने 37,800 पे अपनी पहली सपोर्ट ली है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बचती है 37,100 पे, माइनर सपोर्ट है, और उसके बाद 36,600 पे, और उसके बाद वहीं 34,500 पे मेन सपोर्ट है। अगर यहाँ से फिर से प्राइस आता है यहाँ इस एरिया में, तब आपको थोड़ा बहुत एक्युमुलेट करना है, डीसीए करना है। इन पॉइंटों पे आपको कहीं पे भी बाई नहीं करना है। मार्केट और डाउन आ सकती है, अभी वार की शुरुआत हुई है, वार ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे 39,000 के आसपास आप पॉजिटिव हो गए थे, यहाँ से लॉन्ग करने के चक्कर में थे और बहुत सारे लिक्विडेट भी हुए, सेम वैसा ही हो सकता है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो लिक्विडेट हो सकते हैं। बहुत भाइयों ने, हमारे सब्सक्राइबर थे, मैंने टेलीग्राम पे शॉर्ट के सिग्नल दिए थे, अच्छा खासा कल प्रॉफिट लिया है। अगर आपको भी शॉर्ट का प्रॉफिट लेना है शॉर्ट करके, तब कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं शॉर्ट के सिग्नल दे दूंगा। शॉर्ट के सिग्नल यूट्यूब पे हम बहुत कम देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसी वजह से हम शॉर्ट के सिग्नल नहीं देते। अभी आपको बाई करना है तो मैंने बता दिया है, वापस से मार्केट डाउन आती है तभी बाई करना है, करंट में अभी कुछ भी बाई नहीं करना है। अब कुछ होल्ड कॉइन के चार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले WRX कॉइन की बात करते हैं। WRX कॉइन का अभी करंट प्राइस 0.572 USDT चल रहा है। कल ये वजीरेक्स एक्सचेंज पे करीब 39.5 रुपये के आसपास आ गया था। गाइज बहुत बुरी तरीके से ये डंप हुआ है। अभी भी बहुत भाई इसकी तरफ भाग रहे होंगे, फिर भी मैं आपको सुजेशन देता हूँ कि आपको ये कॉइन बाई नहीं करना है। गाइज अब मैं लिस्ट बताऊँगा बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइनों की, जो क्विक प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। प्रॉफिट तो ये भी दे के जाएगा, लेकिन डंप कॉइन में कोई फ़ायदा नहीं होता, अपना पैसा बर्बाद ही करना है। अभी आपको वेट करना है, अगर ये करीब 25 से 30 रुपए के आसपास मिलता है तभी इस कॉइन को बाई करना है। अभी आपको बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक 25-30 रुपए का नहीं मिलता WRX कॉइन, तब तक आपको बाई नहीं करना है। गाइज मैं फिर से यही बात रिपीट कर रहा हूँ, WRX कॉइन के लिए पहली सपोर्ट होगी 0.5 पे, उसके बाद 0.4 पे। यहाँ तक अभी आने के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं फिलहाल के लिए, आज के लिए बता रहा हूँ। अगर इस एरिया तक आता है 0.4 तक, तब आप थोड़ा बहुत इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। अब शिबा कॉइन पे आते हैं। शिबा कॉइन का अभी करंट प्राइस 0.2415 USDT चल रहा है। पहली सपोर्ट इसको 0.023 पे मिलेगी और इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 0.026 पे। यहाँ पे गाइज शिबा इनू कॉइन में अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था, पहली एंट्री आपको 0.023 पे लेनी है। अभी करंट में कोई एंट्री नहीं बनानी है इसमें, या इस एरिया में, यहाँ पे अभी पहले अगर आपने ऑलरेडी एंट्री बना रखी थी 0.023 पे, अभी आप प्रॉफिट में होंगे, तो जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि मार्केट डाउन आएगी तब आप फिर से इसमें एंट्री बना सकते हैं। कल हमें हमारी एग्जैक्ट येलो कलर की ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है, इसे बोलते हैं गाइज टेक्निकल एनालिसिस। तभी मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस 70 से 80% काम करता है। इसके लिए अब नेक्स्ट सपोर्ट होगी, जो मेजर सपोर्ट है वो 0.018 पे। गाइज अगर शिबा कॉइन यहाँ पे मिलता है तो आपको बोरियाँ भर लेनी है, शिबा इनू कॉइन में अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा ये कॉइन भी आपको।
गाइज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ INR में प्राइस बताऊंगा, आप USDT में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डोजकॉइन पे आते हैं। डोजकॉइन का अभी करंट प्राइस 0.1225 USDT चल रहा है। इसको पहली सपोर्ट 0.12 पे देखने को मिलेगी इस एरिया में, और पहला रेजिस्टेंस 0.1364 इस एरिया में देखने को मिल सकता है। वहाँ तक अभी प्राइस जाने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर प्राइस डाउन आता तो आपको किस पॉइंट पर बाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 0.10 पे आपको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में बाई करना है, उसके बाद इसकी मेजर जो स्पोर्ट बच जाती है वो 0.08 पे है इस एरिया में। यहाँ पे प्राइस आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर प्राइस आता है इस एरिया में, इस डोज कॉइन को मत छोड़ना। अब स्ट्रॉन्ग कॉइनों के बारे में बात करेंगे, उनका टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे। सबसे पहले मैटिक कॉइन पे आते हैं। मैटिक कॉइन का अभी करंट प्राइस 1.42 USDT चल रहा है। इसके लिए पहली रेजिस्टेंस होगी 1.45 पे। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो उसके बाद अच्छा खासा इसमें हमें पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज स्टिल मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप इस कॉइन को बाई करना चाहते हैं तो पहली एंट्री 1.2 पे बना के रख सकते हैं, दूसरी एंट्री आपको 1 USDT पे लगानी है। दो पार्टों में इसको बाई करने की कोशिश कीजिए, और स्मॉल अमाउंट में बाई करना है। ये नहीं है कि पूरी अमाउंट एक साथ लगा दें, 100% अमाउंट एक साथ आपको अभी नहीं लगानी है किसी भी कॉइन में भी। आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रखना है, उसमें कम से कम 8 से 10 कॉइन रखने हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक कॉइन को बाई करना है। और इस डंप में अगर आप जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉइन बाई करोगे उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अब फैंटम कॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फैंटम कॉइन का अभी करंट प्राइस 1.4798 USDT चल रहा है। गाइज अगर आपको बाई करना है तो ग्रीन कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के आसपास अगर प्राइस आता है तब आपको पहली एंट्री स्मॉल अमाउंट में बनानी है, सेकंड एंट्री आपको 1.2 के एरिया में बनानी है। यहाँ पे अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। थर्ड एंट्री आपको 1 USDT के आसपास बनानी है। यहाँ पे प्राइस आता है तो आपको डीप में बाई करना है 1 USDT के आसपास। अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकता है अगर आपको 1 USDT पे बाई करने का मौका मिलता है तो। अब गाला कॉइन का चार्ट डिस्कस करेंगे। गाला कॉइन का अभी करंट प्राइस 0.228 USDT चल रहा है। येलो कलर की ट्रेंड लाइन से इसको अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। इसने 4 से 5 बार येलो कलर की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाई है। अब की बार फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई है। गाइज अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है येलो कलर की ट्रेंड लाइन तो इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है। पहली बाइंग आपको 0.18 के एरिया में बनानी है। यहाँ पे इसका प्राइस आता है तो आपको डीप में बाई करना है, और उसके बाद 0.15 के एरिया में बनाना है। यहाँ तक प्राइस आने के बहुत कम चांसेस हैं अभी के लिए। अगर प्राइस आता है तो आपको इन दोनों पॉइंटों पे अच्छा खासा गाला कॉइन बाई कर लेना है। इंजिन कॉइन अभी 1.367 USDT पे ट्रेड कर रहा है। गाइज अगर आपको एंट्री बनानी है इंजिन कॉइन में तो 1.2 से थोड़ा सा नीचे एंट्री बना के रख सकते हैं। इस एरिया से थोड़ा सा नीचे आपको एंट्री बना के रखनी है, दूसरी एंट्री आप 1 USDT के आसपास ले सकते हैं। गाइज ये सारे कॉइन अभी डीप में मिल रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड करेंगे बाई करके तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। जब तक ये वार ख़त्म नहीं होता तब तक हमें मार्केट में पैनिक का माहौल बना रहेगा और मार्केट डाउन आ सकती है। अभी भी गाइज ये नहीं कि हम बुलिश हैं, लेकिन आपको एक बाइंग पॉइंट बता रहे हैं कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करके निकल लेना है। अभी आप 1.2 पे बाई करेंगे, फिर से वापस यहाँ प्राइस आता है 1.2 पे आपका ऑर्डर लग जाता है, फिर से ऊपर जाता है, तब आप सेल करके निकल सकते हैं। क्विक प्रॉफिट मिल सकता है आपको इस कॉइन से। अब SLP का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। SLP गाइज वजीरेक्स एक्सचेंज पे पहले USDT के पेयर में अवेलेबल था, अब INR के पेयर में भी है। अगर आप INR में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी SLP कॉइन का करंट प्राइस 0.0198 USDT चल रहा है। इसको येलो कलर की ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और 0.02 पे इसकी रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो तब आपको किस पॉइंट पे बाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बाइंग आपको 0.017 के एरिया में, इस एरिया में बाई करनी है। दूसरी बाइंग पॉइंट आपको बता देता हूँ 0.011 के एरिया में, यहाँ पर इसका प्राइस मिलता है तो इसको डीप में बाई कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। SLP कॉइन से प्रीवियस डंप में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने करीब 2x से ज़्यादा का प्रॉफिट हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को दिलवाया है। गाइज करीब बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने तो 3x के आसपास भी स्पॉट में इससे प्रॉफिट लिया है। आप सोच सकते हैं SLP कॉइन में कितना दम है। गाइज ये एक मेटावर्स कॉइन है,
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है। एसएलपी कॉइन में आप थोड़ी बहुत अमाउंट लगा के रख सकते हैं, जैसे 500 1000 रुपये लगाना चाहें तो एसएलपी कॉइन में बेझिझक लगा सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट बता दिया आपको, 0.017 और 0.01, दोनों पॉइंट पे आप बाई कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट के साथ। जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं तो यहाँ पे करीब 300 रुपये लगा लीजिए, अगर यहाँ पे आता है नीचे आता है तो 700 रुपये यहाँ पे लगाइए। ऐसे आपको इस कॉइन को बाई करना है 2 पार्टों में। गाइज ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस, अगर पसंद आया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।